एकदम अच्छे शूटिंग कंप्लीट होगी। एक नया लुक आया था साला और छोटा दिखाया था राज पाटिल जी ने, विजय जी प्रोड्यूसर साहब ने क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात ऐसा है कि आज पिकअप हो रहा है, मन तो नहीं कर रहा कि हम पिकअप करें, क्योंकि हम जब एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब बिछड़ते हैं तो बड़ा दर्द होता है कि हम इतने दिन एक दूसरे के लिए सोचे, लड़ाइयाँ भी की, झगड़ा भी की, मोहब्बत भी की, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में होती है। वो आदमी जब जाता है यहाँ से तो मिस करता है, लेकिन मेरे पास ऐसी है कि ये टीम जो है मेरी, मैं हर सिनेमा में अपनी टीम के साथ काम करता हूँ। रीज़न कि मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता, इनको भूलना नहीं चाहता, जहाँ भी जाता हूँ इनके साथ रहता हूँ तो एक ऊर्जा जो है, क्योंकि मुझे जितना जानते हैं उतना बहुत कम लोग मुझे जान पाते हैं, और विजय भैया के लिए एक मिशन कश्मीर है समझिए कि, क्योंकि बिना पैसों की फिल्म बन गई है। हर आदमी, क्योंकि देखिए इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, आप पैसे मत कमाइए, वैसे इंसान कमा लीजिए, मुझे लगता है कि आपके जेब में कभी तकलीफ नहीं होगी। पैसे अगर जेब में है तो शायद आपको खाना ना मिले, लेकिन लोग आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं से आपको खाना मिला। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंसान को इंसान कमाना चाहिए, पैसे तो आज है कल नहीं है। तो हम सब ने एक दूसरे को साथ सहयोग प्यार आशीर्वाद लेकर और सिनेमा को पूरा किया। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे अखिलेश जी का रहा, लोकेशन को जो भी लोकेशन हमें चाहिए थी अखिलेश जी ने बहुत मेहनत की, इनके टीम के जितने भी बच्चे हैं सब ने बहुत मेहनत किया। तो और गोरखपुर में शूट करना एक सुनहरा है अवसर, ऐसा होता है कि गोरखपुर में हमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिधर घुमाइए हर जगह लोकेशन ही लोकेशन है, क्योंकि हमारे सिनेमा को भोजपुरी चाहिए और भोजपुरी भाषा के लिए अब इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। तो दिल से प्रणाम है और विजय भैया को ढेर सारी शुभकामना, पराग पाटिल जी को शुभकामना कि आज हम सिनेमा पिकअप कर रहे हैं, बट फिर से एक नई दिशा में हम आएंगे। हमारी हीरोइन जी मेघाश्री जी, और मेघाश्री जी के साथ भी मेरी तीसरी मूवी है, तीसरी मूवी है, एक साउथ में किया था, दूसरा कि अपराधी किया था, और तीसरा ये मूवी है मेरा, और अद्भुत एक्ट्रेस राउडी इंस्पेक्टर जो मैंने साउथ में किया था, और अद्भुत एक्ट्रेस है, अद्भुत एनर्जी है इनके अंदर, जो एनर्जी खेसारी लाल यादव के अंदर काम करने की है, अपने काम को अहमियत देने की है, वही एनर्जी मैंने मेघा जी के अंदर देखा कि ये भी अपने काम को बखूबी और बड़ी एनर्जी के साथ, लगन के साथ करती हैं, क्योंकि मुझे करना है, मुझे करना है। मुझे पहली ऐसी हीरोइन मिली जो पूरा स्क्रिप्ट उसके दिमाग में है, पूरे स्क्रिप्ट का डायलॉग इसको याद है, पूरे स्क्रिप्ट को जितना हाल हम हमारे पास होता था कि कभी कभी सेट पे चेंज भी होता है कुछ चीज़ें, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग इनका सपोर्ट करते थे, और उसको भी तुरंत लर्न कर लेना और डायलॉग बोल देना टफ है, क्योंकि हमारे भाषा से नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने मेरे भाषा के शब्दों को इतने बखूबी से रखा है सिनेमा में कि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग करते हैं। तो मेरी शुभकामना है मेघा जी के लिए भी, क्योंकि आज हम पिकअप में हैं, मेकअप में है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पिकअप में हो जाएंगे। लास्ट डे है, बिछड़ना और जुड़ना तो हमारे दस्तूर में हो गया है, फिर 10 दिन बाद फिर से हमें दूसरी राह पे, दूसरे डायरेक्टर के साथ, दूसरी सिनेमा के साथ फिर से हम गोरखपुर में या कहीं और जहाँ भी जाना होगा, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का एक जो भी लोकेशन होगा हम लोग करेंगे। तो मेरी तरफ से मीडिया प्रभारी जितने भी लोग हैं सब, आप सबको ढेर सारी शुभकामना, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी शिद्दत से हमारे चीज़ों को दुनिया को बताते हो, दिखाते हो, तो ढेर सारी शुभकामना आप सबको भी। बोल राधा बोल। मेघा जी क्या कहना चाहेंगे वसाई जी के साथ स्क्रीन पे आप कर रही हैं, और एक जोड़ी जो मिली है राधा जी की, जो आपको जोड़ी लगी है, जो बच्चों लिए और राधा के जो लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली मैं सभी ऑडियंस और भोजपुरी पीपल ऑडियंस को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों ने हमारा जो फोटो लुक को बहुत ही अच्छे प्यार दे रहे हैं, सो थैंक यू। और आज लास्ट डे शूट है, टीम को मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि एक दिन भी मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ वर्क करूँ, काम करी हूँ। हम बहुत ही फन वे से हमने काम किया, टीम को बहुत मिस करूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने जो सोचा सपना खेसारी भैया के सपोर्ट में प्राइवेट क्या कर, हमको कोशिश तो कहा ही नहीं यार, क्या बोले, सब ये भूल दिए, और इनकी कृपा है, ये
ये नहीं खड़े होते तो ये काम नहीं होता। बिल्कुल पैसा नहीं था, हम बहुत मतलब पैसा वाला हूँ, लेकिन पराग भाई ने हौसला दिया और खेसारी भाई ने उसको एकदम फलीभूत कर दिया कि नहीं भैया बनाते हैं, और सब लोगों ने साथ दिया मिलकर, इतना ऐसा दिया कि क्या बोले, अद्भुत है। बस ईश्वर करे जनता इस फिल्म को देखे और आगे करे, मेरी कोई औकात नहीं थी फिल्म बनाने की, इनका हौसला इनका समय, बस यही लोग बनवा दिए, हम बना दिए। देखिए सबसे पहले मैं जितने लोग बोल चुके हैं वो सारी बातें हो चुकी है, मेरा शूटिंग इम्पोर्टेंट है, बस एक ही लाइन कहूंगा कि ये किसी धाकड़ प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं, ये एक टेक्नीशियन की फिल्म है जो प्रोड्यूसर बना है, केसारी जी ने जिनको प्रोड्यूसर बनाया है, ये एक टेक्नीशियन है, और इस टेक्नीशियन के फिल्म को हर उस टेक्नीशियन को सपोर्ट करना चाहिए जो टेक्नीशियन है।